हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है फेनेंथ्रीन। हमने पिछले वीडियो में एंथ्रासीन के बारे में डिस्कशन किया था। तो फेनेंथ्रीन भी एक तरह का पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन ये भी थ्री मेंबर्ड रिंग है। इसमें भी तीन बेंजीन न्यूक्लियस आपस में फ्यूज रहते हैं, लेकिन जो एंथ्रासीन हमने पढ़ा उसमें और फेनेंथ्रीन में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस है कि एंथ्रासीन एक लीनियर जो है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, और जिसमें तीनों बेंजीन रिंग एक दूसरे से ऑर्थो पोजीशन पे फ्यूज रहती है। लेकिन फिनॉन्थ्रीन जो है हमारा, ये एंगुलर पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, और इसमें भी तीन बेंजीन न्यूक्लियस आपस में ऑर्थो पोजीशन से फ्यूज रहते हैं। दो तो लीनियरली रहता है, एक थोड़ा सा पोजीशन जो है चेंज हो जाता है। तो ये तरह से देखा जाए तो फेनेंथ्रीन इज आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ एंथ्रासीन। इसे हम कह सकते हैं कि फेनेंथ्रीन भी एक आइसोमेरिक फॉर्म है एंथ्रासीन का, और जब उसका आइसोमेरिक फॉर्म है तो इसका मतलब हुआ कि ये भी जो है कोल टार से डिस्टिलेट किया जाएगा और ग्रीन आयल फ्रैक्शन के फॉर्म में। सो इट इज़ रिलेटेड विद द सम टाइप ऑफ एल्कलाइड्स, क्योंकि इसकी जो बेंजीन न्यूक्लियस है वो हमारे कुछ ऐसे एल्कलाइड्स होते हैं जिसमें ये प्रेजेंट होता है, जैसे मॉर्फिन हो गया एंड कुछ स्टेरॉइड्स है जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया। तो ये रिंग उसमें जो है प्रेजेंट होती है, एक तरह से कहें तो कंपाउंड ही इसका डेरिवेटिव भी उसमें प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं इसके आइसोलेशन पर कि फिनॉन्थ्रीन को आइसोलेट कैसे किया जाता है। तो इसका आइसोलेशन प्रोसेस नियर अबाउट जस्ट इक्विवेलेंट टू एंथ्रासीन, कि जिस तरह से एंथ्रासीन का आइसोलेशन करते हैं उसी तरह से फेनेंथ्रीन का भी आइसोलेशन करते हैं। कि इसमें भी जब हमारा ग्रीन आयल्ड जो है कूल्ड होता है सॉलिड के फॉर्म में, तो उसमें दैट इज कंसिस्ट ऑफ सम पार्ट ऑफ एंथ्रासीन फेनेंथ्रीन एंड कार्बाजोल एक्सेट्रा। फाइनल द ट्रीटमेंट ऑफ दिस सॉलिड केक विथ सॉल्वेंट नेफ्था डिजोल्व फिनॉन्थ्रीन एंड आफ्टर इवापोरेशन ऑफ द सॉल्वेंट विल सीक्रेट फिनॉन्थ्रीन विच इज़ प्योरीफाइड बाय इट्स पिक्रेट फ्रॉम इथेनॉल। यानी ये पिक्रेट के फॉर्म में जो है फाइनली प्योरीफाइड किया जाता है। कल हमने पिक्रेट के बारे में आपको बताया था कि पिक्रेट जो है ये एक चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स होता है जो डोनर और एक्सेप्टर के बीच में होता है। इसमें दो मॉलिक्यूल्स, एक चार्ज डोनर होता है जिसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिच होता है, दूसरा चार्ज एक्सेप्टर होता है जिसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। यानी एक रेजोनेंस के थ्रू अपने आप को देखा जाए तो कैटायनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, एक एनायनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो कैटायन और एनायन के बीच में इंटरेक्शन होता है, तो उनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स, इस जो इंटरेक्शन के थ्रू उनके बीच में जो बॉन्डिंग हो जाती है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इस तरह से वो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो आइए हम सिंथेसिस के बारे में डिस्कशन करते हैं कि फिनॉन्थ्रीन की सिंथेसिस पर्टिकुलर किस किस मेथड से की जाती है। तो इसमें कई मेथड्स जो है इन्वॉल्व हैं, जैसे हमारा पोर सिंथेसिस है, केसर सिंथेसिस है, हावर सिंथेसिस है। देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सिंथेसिस विच आर इन्वॉल्व फॉर फिनॉन्थ्रीन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट दी शॉर्ट सिंथेसिस, व्हाट हैपेंड इन दिस सिंथेसिस। द फर्स्ट सिंथेसिस आर गिवेन हियर, यू सी दैट दिस सिंथेसिस इज जनरली बेस्ड ऑन पर्किन रिएक्शन। व्हाट हैपेंड इन पर्किन रिएक्शन? पर्किन रिएक्शन है सच टाइप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विच इंटरैक्ट्स विद द रिएजेंट विच हैव एक्टिव मेथिलीन ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ बेस टू इंटरैक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड का उसमें फॉर्मेशन होता है। तो उसी तरह से ये सौर सिंथेसिस भी कंडेंसेशन रिएक्शन पर आधारित है। इसमें होता क्या है कि आर्थो नाइट्रोबेंजल्डिहाइड इज रिफ्लक्स्ड विथ सोडियम फिनाइल एसिटेट इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड।
व्हेन अल्फा फिनाइल नाइट्रोसिनेमिक एसिड फर्स्ट इज प्रोड्यूस्ड द नाइट्रो ग्रुप इन द फर्स्ट इज फर्स्ट रिड्यूस्ड विथ टीन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड देन डाइएजोटाइज्ड विथ सोडियम नाइट्राइट एंड H2SO4. द डाइजोनियम सॉल्ट सेकेंड दस ऑब्टेंड इज हीटेड विथ कॉपर पाउडर एंड H2SO4. व्हेन फिनॉन 3,9 कार्बोक्सिलिक एसिड थर्ड इज प्रोड्यूस्ड दिस अपॉन स्ट्रॉन्ग हीटिंग गिव्स फिनॉन 3. तो यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हैं, यहाँ पर रिएक्शंस प्रोसेस दिखाए गए हैं. इस रिएक्शंस में सबसे पहले यहाँ पर देखिए इस केस में क्या होता है कि आर्थोनाइट्रोबेंजल्डिहाइड है और फिनाइल एसीटेट से इसका रिएक्शन कराया जाता है. यहाँ पे फिनाइल एसीटेट के साथ किसके प्रेजेंस में, एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो इनके बीच में कंडेंसेशन होता है. और यहाँ पर देखिए ये कार्बन एटम के थ्रू दूसरे से जो है जुड़ जाते हैं. सिंपली एक्चुअल में कंडेंसेशन होता कैसे है इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ सी एच बो को हम ऐसे लिख सकते हैं सी एच ओ इस तरह से, यानी हम वहाँ एल्डिहाइडिक ग्रुप को इस तरह से दिखाएं और यहाँ सी एच टू ग्रुप है जो हमारा, यहाँ सी एच टू से बेस जो है अटैक करके इसको निगेटिव चार्ज में कन्वर्ट करेगा इस तरह से. और ये निगेटिव चार्ज हमारा अटैक करता है यहाँ पर और यहाँ देखिए डीलोकलाइजेशन हो जाता है इस तरह. और यहाँ जो न्यू प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस तरह से ओ माइनस हो जाता है और ये हो गया एच. और यहाँ आप देख सकते हैं कार्बन इससे जुड़ जाता है सी एच के फॉर्म में. ओके लाइक दिस समवॉट. फिर क्या होता है ये एच जो है, अब आप देखिए ये बॉन्ड यहाँ आया और यहाँ से ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के लिए ये बॉन्ड यहाँ आया और यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाता है और इनके बीच में ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ फॉर्मेशन हो गया अल्फा फिनाइल आर्थोनाइट्रोसिनेमिक एसिड फर्स्ट का और ये है आपका सिनेमिक एसिड फर्स्ट. दिस इज सिनेमिक एसिड फर्स्ट. फिर इसका रिडक्शन कराया जाता है और साथ ही साथ डाइएटो एजोटाइजेशन कराया जाता है कि एजो ग्रुप जो है NO2 ग्रुप को एजो ग्रुप में कन्वर्ट किया जाता है और इस तरह से फार्मेशन होता है डाइजोनियम साल्ट का. तो यहाँ आप देख सकते हैं हियर इज फार्मेशन ऑफ डाइजोनियम साल्ट एंड फाइनली वंस अगेन दिस इज साइक्लाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर के प्रेजेंस में इसका जो है साइक्लाइजेशन होता है और फाइनली स्ट्रॉन्ग हीटिंग देयर इज डी कार्बोक्सिलेशन एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फिनेन्थ्रीन. तो यहाँ पे जो है फिनेन्थ्रीन का फॉर्मेशन हो जाता है. ओवरऑल दिस सिंथेसिस आर सॉर सिंथेसिस. द नेक्स्ट सिंथेसिस इज द केसर सिंथेसिस. ये भी सिंथेसिस समवाट जो है मिलता जुलता है सॉर सिंथेसिस से. और इस सिंथेसिस में होता क्या है लोकेट हियर. इट इज़ ए यूजफुल मॉडिफिकेशन ऑफ सॉर सिंथेसिस एंड वॉज डेवलप्ड बाई एस वी केसर एट ऑल एट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ इन 1969. दे प्रिपेयर्ड फिनॉन्थ्रीन फ्रॉम सिनेमिक एसिड वाया बेंजाइन इंटरमीडिएट एज डिस्क्राइब्ड बिलो. इस केस में क्या होता है कि इसमें बेंजाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है और फाइनली जो है फिनॉन्थ्रीन का फॉर्मेशन कराया जाता है. तो यहाँ पे पैरामिथॉक्सी फिनाइल आर्थोक्लोरोसिनेमिक एसिड लिया गया है ये लाइक दिस. हियर यू सी दैट दिस इज द पैरामिथाइल अल्फा पैरामिथाइल पैरामिथॉक्सी सॉरी अल्फा पैरामिथॉक्सी फिनाइल आर्थोक्लोरोसिनेमिक एसिड विच इज ट्रीटेड विद द पोटेशियम माइड. ये पोटेशियम माइड और लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में इसका जो है ट्रीटमेंट कराया जाता है. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बेंजाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है. बेंजाइन इंटरमीडिएट ये देखिए बेंजाइन इंटरमीडिएट इज ए सच टाइप ऑफ इंटरमीडिएट इन विच बेंजीन न्यूक्लियस कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड वन बॉन्ड इज आउट ऑफ द रिंग विच इज फॉर्म बाई द
साइड वाइज इंटरेक्शन ऑफ ऑलरेडी हाइब्रिडाइज्ड एसपी टू पी ऑर्बिटल्स। ऑलरेडी हाइब्रिडाइज्ड एसपी टू ऑर्बिटल के थ्रू जो है ये फॉर्म होता है। इसका फॉर्मेशन अगर देखें तो कुछ इस तरह से होता है कि सपोज दैट दिस इज बेंजीन न्यूक्लियस, हियर आर सम ग्रुप्स आर अटैच्ड, दिस इज द इट्स हाइड्रोजन एटम और यहाँ पे इसके जो है बांड लगाए गए हैं। तो अगर सोडामाइड जो है, जैसे ये NH2, सॉरी ये NH2 जो है ये हाइड्रोजन पर ऐसे अटैक किया तो ये बॉन्ड देखिए यहाँ पर आता है और यहाँ से Cl निकल जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो यहाँ इनके बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो एक तरह से ये जो बेंजाइन इंटरमीडिएट है इसमें देखा जाए तो एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन होता है। एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन यानी पहले तो ग्रुप एलिमिनेट होता है, आप देख सकते हैं कि Cl यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है और फाइनली फिर इसमें जो है एडिशन हो जाता है। तो इस तरह से बेंजाइन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन के थ्रू यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स जो है साइक्लाइज्ड हो जाता है और 3-methoxy-phenanthrene-10-carboxylic acid उसका डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होता है। द थर्ड सेंथेसिस इज द हॉवर्ट सेंथेसिस। व्हाट हैपेंड इन दिस सेंथेसिस? दिस सेंथेसिस इज ए मल्टी स्टेप सेंथेसिस एंड दिस इज इन्वॉल्व द कंडेंसेशन ऑफ नेफ्थलीन विद सक्सिनिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एलुमिनियम क्लोराइड इन नाइट्रोबेंजीन। यानी इस रिएक्शन को देखा जाए तो इसे कहा जाता है सक्सिनोइलेशन। दिस इज कॉल्ड सक्सिनोइलेशन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हावर सेंथेसिस इज ऑल्सो कॉल्ड सक्सिनोइलेशन। यानी सक्सिनिक एनहाइड्राइड ग्रुप का जो है नेफ्थलीन के साथ इंट्रोडक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर आइए इस एग्जांपल को हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये नेफ्थलीन सबसे पहले सक्सिनिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करता है तो यहाँ पे दो तरह का प्रोडक्ट बनने के चांसेस इसके पास होते हैं। एक अल्फा पोजीशन पर होता है, दूसरा बीटा पोजीशन पर होता है। तो एक को हम अल्फा नेफ्थॉइल प्रोपेनोइक एसिड कर सकते हैं, दूसरे को बीटा नेफ्थॉइल प्रोपेनोइक एसिड कर सकते हैं। तो प्रोसेस दोनों में सेम चलता है। ये है आपका अल्फा नेफ्थॉइल, ये है आपका बीटा नेफ्थॉइल। नेफ्थलीन में अल्फा और बीटा पोजीशन पे जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ये सक्सिनिक एनहाइड्राइड सब्स्टिट्यूट होता है। फिर इसके बाद जिंक अमलगम और HCl के प्रेजेंस में क्लेमेंजन रिडक्शन होगा कि जो कार्बोनिल ग्रुप है हमारा। क्लेमेंजन रिडक्शन में क्या होता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है, दिस कार्बोनिल ग्रुप ये जो है जिंक अमलगम HG, जिंक HG और HCl के प्रेजेंस में रिड्यूस्ड हो जाता है और बना देता है एल्केन, HH में कन्वर्ट हो जाता है। डबल बॉन्ड जो है वो ये HH में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा रिडक्शन रिएक्शन है एक तरह से। तो आप देख सकते हैं इस केसेस में यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है, ये डबल बॉन्ड ये रिड्यूस्ड हो गया है। कैसे रिड्यूस्ड हो गया आप यहाँ देख सकते हैं सेकेंड स्टेप में, यहाँ इसका रिडक्शन हो गया है। और फिर इसके बाद फॉर्मेशन होता है नेफ्थिल ब्यूटायरिक एसिड का और फिर इसका हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या फिर H2SO4 के प्रेजेंस में जो है साइक्लाइजेशन हो जाता है और इस तरह से टेट्रा हाइड्रोफिनेन्थ्रीन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेट्रा हाइड्रोफिनेन्थ्रीन। और डिहाइड्रोजिनेशन या फिर एरोमेटाइजेशन के थ्रू आप देख सकते हैं फाइनली ये जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फिनेन्थ्रीन में। ये दोनों रिएक्शंस एकदम पैरेलल हैं एक दूसरे के, क्योंकि सिर्फ अंतर है तो ये जो हमारा इनिशियल प्रोडक्ट बनता है बाय द कंडेंसेशन बिटवीन नेफ्थलीन एंड सक्सिनिक एनहाइड्राइड, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अल्फा नेफ्थिल प्रोपेनोइक एसिड एंड बीटा नेफ्थिल प्रोपेनोइक एसिड। दोनों का रिएक्शंस जो है पैरेलल चलता है और सेम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। सो ओवरऑल दिस सिंथेसिस आर कॉल्ड हॉवर्थ सिंथेसिस आर सक्सिनोइलेशन, इसे कहा जाता है। और इस रिएक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाइड भी किया जा सकता है कि मॉडिफिकेशन में ये देखा जाता है कि जो हमारा कीटोन बना हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये
ये जो कीटोन बना हुआ है लाइक दिस, इफ यू आर नॉट सीनियर, दिस इज द एंथ्राक्विनोन, ये जो बना हुआ है आपका, अगर इसका रिएक्शन करा दिया जाता है किसके साथ, CN3CS3MgI यानी ग्रिग्नॉन रिएजेंट के साथ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कोहल में। आपको पता होगा कि एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है और एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस्ड हो जाता है सी डबल बॉन्डों पे, और फिर इसका जब रिडक्शन कराते हैं तो 1-methylphenanthrene यानी उसका डेरिवेटिव बन जाता है। तो ये यहाँ से ये जो इसका प्रोडक्ट है ये वेराइटी ऑफ रिएक्शन क्रिएट कर सकता है, ये इस रिएक्शन की खासियत होती है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आता है इस सिंथेसिस का, और वह होता है वर्धान सेन गुप्ता सिंथेसिस। बहुत ही पॉपुलर सिंथेसिस है ये वर्धान सेन गुप्ता सिंथेसिस, यह एक तरह से देखा जाए तो नेटवर्ट एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है ये वर्धान सेन गुप्ता सिंथेसिस, और ये MSc एग्जामिनेशन में भी इसकी सिंथेसिस पूछी जाती है, या फिर इसका प्रिपरेशन पूछा जाता है कि इसमें किस तरह से फिनेंथ्रीन का फॉर्मेशन होता है। तो इस सिंथेसिस, ये सिंथेसिस जो है जनरली जो स्टार्टिंग मटेरियल इन्वॉल्व करता है वो 1-bromo-2-phenylethane एंड इथाइल 2-oxo-cyclohexane 1-carboxylate, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कराया जाता है। तो एक्चुअल इनका प्रिपरेशन कहाँ से होता है, ब्रोमोबेंजीन से। तो इनिशियली हम सबसे पहले ग्रिग्नॉन रिएजेंट का प्रिपरेशन करते हैं, यानी फर्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ ग्रिग्नॉन रिएजेंट का प्रिपरेशन कराया गया। ये देखिए ग्रिग्नॉन रिएजेंट बना, और फिर इसका जो है इथॉक्साइड के साथ हाइड्रोलिसिस कराई जाती है, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ, और फिर हैलोजिनेशन कराते हैं तो यही अल्कोहल हमारा हैलोजन में इंटर कन्वर्ट हो जाता है। ये हैलोजन में इंटर कन्वर्ट हो गया, दिस इज द वन प्रोसेस आपका। तो ये तो था लीनियर मॉलिक्यूल सपोज दैट बेंजीन न्यूक्लियस से। इसी चीज़ को हम साइक्लोहेक्सोन हेक्सेनोन से भी बना सकते हैं कि साइक्लोहेक्सेनोन से जब हम बनाएंगे तो हमें इथाइल 2-oxo-cyclohexane-1-carboxylate का जो हमारा दूसरा रिएजेंट है वो मिलेगा, क्योंकि इसमें दो रिएजेंट की, दो एक तरह से कहा जाए तो एक रिएक्टेंट एक रिएजेंट की ज़रूरत होती है। तो एक तो हमारा तैयार हो गया 1-bromo-2-phenylethane, अब दूसरा जो है साइक्लोहेक्सेनोन से प्रिपेयर होता है, यहाँ पर देखिए। और सबसे पहले डाईथाइल ऑक्सिलेट से रिएक्शन कराते हैं सोडियम इथॉक्साइड और अल्कोहल के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन होता है, और फिर यहाँ पे कार्बन मोनो हीट करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाता है और इथाइल 2-oxo-cyclohexane-1-carboxylate का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एक स्टार्टिंग मटेरियल हमारा ये हो गया, ये एक स्टार्टिंग मटेरियल जो है हमारा ये हो गया, दूसरा स्टार्टिंग मटेरियल ये हो गया। अब देखिए दोनों के बीच में यहाँ पर इंटरेक्शन करा दिया जाता है, और इंटरेक्शन के थ्रू यहाँ देखिए CH2CH2 ग्रुप साइक्लाइज्ड होता है, और फाइनली डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू और सोडियम के प्रेजेंस में रिडक्शन के थ्रू ये एल्कोहल में कन्वर्ट होता है, और फिर ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में, यहाँ देख सकते हैं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में ये साइक्लाइज्ड हो जाता है, और फिर सेलेनियम के साथ इसका रिडक्शन होकर के ये फाइनली फिनेंथ्रीन का फॉर्मेशन करता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये वर्धान सेन गुप्ता सिंथेसिस, जो कि एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। सो द नेक्स्ट सिंथेसिस इज बोगर्ट कुक सिंथेसिस। तो बोगर्ट कुक सिंथेसिस ये भी इम्पोर्टेंट सिंथेसिस है, इसमें भी ये वर्धन सेन गुप्ता से थोड़ी मिलती जुलती है, मैच करती है, कि इसमें भी हमारा वही, इसमें दो जो हम रिएजेंट और रिएक्टेंट लेते हैं ये जस्ट सिमिलर टू द वर्धन सेन गुप्ता सिंथेसिस। इट इन्वॉल्व द ग्रिग्नॉन रिएजेंट
ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जो पहला रिएक्टेंट होता है, दूसरा साइक्लोहेक्सेनोन होता है, और इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ग्रुप आपस में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। और इस तरह से फिर H2SO4 के साथ डिहाइड्रेशन करा दिया जाता है तो यहाँ पे दोनों रिंग्स एक दूसरे से बाइंड अप हो जाती हैं, CH2 CH2 के थ्रू लिंकअप होती हैं, और फिर यहाँ साइक्लाइजेशन होता है, और फिर आफ्टर साइक्लाइजेशन दे अंडरगोज डिहाइड्रोजिनेशन एंड दे कन्वर्टेड इनटू फेनेंथ्रीन। तो ये था हमारा बोगर्ट कुक सिंथेसिस और वर्धान सेन गुप्ता सिंथेसिस। दोनों सिंथेसिस आपस में सिमिलर होती हैं, इक्विवेलेंट होती हैं, लगभग लगभग इनका जो रिएक्शन प्रोसेस है वो इक्वल होता है। और इसका लास्ट सिंथेसिस आता है फोटोकेमिकल डिहाइड्रोजिनेशन। तो फोटोकेमिकल डिहाइड्रोजिनेशन में सिस और ट्रांस स्टीबिन्स का जो है कन्वर्जन कराया जाता है फिनेंथ्रीन में फोटोकेमिकली। तो सिस स्टीबिन लेते हैं तो यहाँ पे ट्रांस सिस या ट्रांस स्टीबिन कोई भी ले लें तो दोनों इंटर कन्वर्ट होता है। यहाँ देखिए सिस ट्रांस दोनों का इंटर कन्वर्जन है, और फाइनली फोटोकेमिकली आयोडिनेशन के थ्रू यहाँ पर फिनेंथ्रीन का फॉर्मेशन कराया जाता है। तो ये हो गया हमारा सिंथेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनेंथ्रीन। अब इसका जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, अब वो आता है नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। तो इस तरह से देखा जाए तो जैसे आपने एंथ्रासीन में उसका नॉमेनक्लेचर देखा था कि हम जब स्टार्टिंग किए थे नंबरिंग का एंथ्रासीन में तो किस इस तरह से नंबरिंग हुई थी। जैसे ये एंथ्रासीन है हमारा, ये एंथ्रासीन है, तो यहाँ से नंबरिंग शुरू हुई थी राइट साइज 1 2 3, यहाँ 4 5, यहाँ आया 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ और 10 यहाँ आता है लाइक दिस। तो इस केस में भी जो नंबरिंग होती है दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, जिसमें क्या था चूंकि ये ट्रेंगुलर होता है और वो लीनियर था तो इसीलिए इसमें जो है एंटी क्लॉक में नंबरिंग किया जाता है। और एंटी क्लॉक में नंबरिंग कुछ इस तरह से करते हैं, जैसे मान लीजिए ये फिनोन्थ्रीन एक रिंग यहाँ पे जुड़ी हुई होती है फिनोन्थ्रीन में, तो यहाँ नंबरिंग इसका एंटी क्लॉक यानी यहाँ से शुरू 1 2 3 4, देखिए 5 यहाँ आ गया, 6 7 8 9 एंड 10, सम वॉट लाइक दिस। तो इस तरह से इसमें नंबरिंग शुरू किया जाता है कि द रिंग कार्बन जो है एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू देम आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10। और इस रिंग को हम कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं, इस रिंग को हम ऐसे भी बना सकते हैं कुछ इस फॉर्म में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से, और इसमें जो नंबरिंग होगा देखिए 1 2 3 4, अब यहाँ 5 6, दिस इज 5 6, दिस इज 5 6 7 8, हियर यू सी दैट दिस इज 9 एंड 10। जब इसका जो है आइसोमेराइजेशन करा देते हैं दूसरे फॉर्म में तो नंबरिंग जो है ये थोड़ी सी चेंज हो जाती है, और इसे अगर हम दूसरे रिंग में देखना चाहें कुछ इस तरह से, यहाँ पे देखिए, फिर इसके ऊपर यहाँ बना दिया जाए, यहाँ पर बना दिया जाए, इस तरह अगर रिंग बना दी जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं फिर नंबरिंग यहाँ शुरू 1 2 3 4, फिर यहाँ देखिए 5 6 7, जस्ट इन्वर्ट हो जाता है इस तरह से। तो ये चूँकि 5 आइसोमेरिक फॉर्म में जो है ये एग्जिस्ट करता है तो डिफरेंट फॉर्म में इसकी नंबरिंग जो है डिफरेंट होती है, बस वहाँ देखना होता है कि इसका आइसोमेरिक फॉर्म जो है
किस तरह का है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, हियर द नंबरिंग ऑफ द फेनोन्थ्रीन हैज गिवन। सो अब हम इसके रेजोनेंस के बारे में अगर बताना चाहें, तो जो आइसोमेरिक फॉर्म देख रहे हैं आप, इसके आइसोमेरिक फॉर्म को अगर हम देखें तो डिफरेंट डिफरेंट हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है मिलेंगे। तो इनिशियली हम फर्स्ट स्ट्रक्चर्स लेते हैं, इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर का मतलब इस स्ट्रक्चर को, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाया गया है कि बॉन्ड जो है वो डिलोकलाइज हो जाता है और पोजीशन जो है सेम चेंज हो जाती है, बट द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई या रिमेंस कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द रेजोनेंस। और इस तरह से 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करता है। और ये जो है इन इसका जो है जो एंथ्रासीन है हमारा, उसमें कुछ एडिशनल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन इसमें वो एडिशनल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स नहीं होता। इसका रीजन है कि जो रेजोनेंस एनर्जी होती है फिनोन्थ्रीन की, वो 387 किलो जूल पर मोल होती है। दिस इज़ लिटिल हायर देन दैट ऑफ एंथ्रासीन, दिस इज़ नियर अबाउट 35 किलो जूल पर मोल, ये हायर हो जाती है। और इसका जो डबल बॉन्ड करेक्टर होता है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है एंथ्रासीन से। आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पोजीशन 1, 2, 3, 4, 5 का देखा जाए, तो इसमें 2/5, 3/5 का जो है ये डिफरेंशिएशन है। सो ऑल दीज प्रॉपर्टीज रिलेटेड विद द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। नाउ कम्स ऑन इट्स properties, what type of properties anthracene undergoes. So just like, phenanthrene undergoes, just like anthracene, phenanthrene also undergoes different type of chemical reactions, that is substitution and addition. So now I will explain one by one its physical and chemical properties. तो अब हम आते हैं इसके physical properties पर। तो phenanthrene is a colorless crystalline solid, having melting point near about 372 Kelvin. It is insoluble in water but fairly soluble in benzene. Its benzene solution shows a blue fluorescence. इसका जो benzene solution होता है उसमें ब्लू फ्लोरसेंस होता है। तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज समवाट नियर अबाउट एंथ्रासीन। सो नाउ कम ऑन इट्स केमिकल रिएक्शंस। तो ये एंथ्रासीन की तरह दोनों रिएक्शंस देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी इसमें होता है और एडिशन रिएक्शन भी इसमें होता है समवाट। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, अगर कार्बन एटम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के थ्रू हम देखें, तो अगर हम कार्बन एटम वन पर अटैक कराएं, आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर्स में कार्बन एटम वन पर अटैक करा गया है, ओके। और इस तरह से ये दो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, कार्बन एटम टू पर अटैक करा गया है, यर यू सी दैट, कार्बन थ्री पर अटैक करा गया है, फोर पर अटैक करा गया है, तो ये भी दो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, नाइन पर अटैक करा गया तो ये भी दो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से देखा जाए कि फेनेंथ्रीन जस्ट लाइक एंथ्रासीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पोजीशन 9 एंड 10 बीइंग पर्टिकुलरली रिएक्टिव। यानी जैसे कि एंथ्रासीन में 9 और 10 रिएक्टिव था, सेम उसी तरह से ये भी पोजीशन इसमें रिएक्टिव होता है। दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय एग्जामिनिंग द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायंस रिजल्टिंग फ्रॉम अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल एट C1, C2, C3, C4 एंड C9 और C10 पोजीशंस। सो हियर यू सी दैट इट्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टेक्स प्लेस हियर
एंड दिस इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल पोजिशन वन एंड दिस इट रेजोनेंस स्टेबलाइज दिस द गिव नेक्स्ट इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. पोजिशन टू दिस गिव्स ओनली वन स्ट्रक्चर. पोजिशन थ्री दिस गिव्स ओनली ऑल्सो ओनली वन स्ट्रक्चर्स. पोजिशन फोर गिव्स टू स्ट्रक्चर्स बिकॉज देयर इज वन डबल बॉन्ड विच डीलोकलाइज एंड स्टेबलाइज दिस कार्बोकेटायन एंड गिव्स टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. एंड पोजिशन नाइन ऑल्सो गिव टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. सो द सी नाइन प्रोड्यूस ए कार्बोकेटायन फाइव विच हैज़ बीन बेंजीन रिंग इंट्रैक्ट वेयर एज सी वन सी टू सी थ्री एंड सी फोर में देखा जाए तो विच हैव ए नेफ्थलीन मॉइटी इंटैक्ट. इसमें नेफ्थलीन मॉइटी जो है वो इंटैक्ट कर जाती है. दस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन देर इज लॉस ऑफ 85 किलो जूल. यहाँ पर हमें रेजोनेंस एनर्जी देखनी होती कि किसमें ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी लॉस हो रही है. तो व्हाइल इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन 1 to 4 देर इज लॉस ऑफ 131 किलो जूल एनर्जी. यानी एक से लेकर के चार तक 131 किलो जूल एनर्जी लॉस हो रही है, जबकि फिफ्थ के फॉर्मेशन में 85 किलो जूल एनर्जी लॉस हो रही थी. ये बेटर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स माना जाता है. दिस कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट कैन देन लॉस ए प्रोटॉन टू गिव द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट. एंड हियर यू सी दैट इन इट्स नेक्स्ट स्टेप इन न्यूक्लियोफाइल अटैक एट दिस पोजिशन टू टेक अप द प्रोटॉन एंड बाइंड अप टू गिव 9-10 एडिशन प्रोडक्ट. और यहाँ पे जो है एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है. इस केस में देखा जाए तो ये था हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और का. तो अब वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इसमें पाया जाता है. तो इसमें पाया जाता है आपका हैलोजिनेशन रिएक्शन. और हैलोजिनेशन रिएक्शन में यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराया जाता है. CCl4 के पायरीन के प्रेजेंस में रिफ्लेक्सिंग कराई जाती है. तो यहाँ पे 9-bromophenanthrene का फॉर्मेशन होता है. 9 या 10 दोनों हो सकता है का फॉर्मेशन होता है. और फिर अगर इसी पे हमें नाइट्राइल से रिएक्शन कराना हो, इसमें नाइट्राइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना हो, तो इसी का जो है CuCN से रिएक्शन करा देंगे. 9-cyanophenanthrene का फॉर्मेशन हो जाता है. एंड सो दिस इज़ वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ एंथ्रेसीन. सेकेंड इज द नाइट्रेशन. तो नाइट्रेशन जस्ट इक्विवेलेंट टू बेंजीन. बेंजीन में नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में नाइट्रेशन होता है और वहाँ पर फॉर्मेशन होता है मोनोसब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोबेंजीन का. तो सेम उसी तरह से नाइट्रेशन देखिए स्पेशल हो रहा है इसमें कि 3-nitrophenanthrene का फॉर्मेशन हो रहा है रेदर देन 9 का. तो नाइट्रेशन स्टेप जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है. इस केस में आप देख सकते हैं. और जैसा कि आप एंथ्रासीन में देखे होंगे कि उसमें जो सल्फोनेशन केस था वो डिफरेंट था. तो लगभग जो है सल्फोनेशन और नाइट्रेशन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. तो इसमें सल्फोनेशन भी डिफरेंट होता है. अब आप देखिए यहाँ पे समवाट ये है हमारा नाइट्रेशन. तो यहाँ देखिए 3 पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है. लेकिन वही सल्फोनेशन में देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 और 3 दोनों पर इंट्रोड्यूस हुआ है. 2 और 3 दोनों पर सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में. तो फिनेंथ्रीन 2 सल्फोनिक एसिड और 3 सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ. और इल्ड देखिए दोनों का कि दोनों का लगभग सेम इल्ड है. सेम इल्ड जो है में रिएक्शन हमारा प्रोसीड होता है. नाउ वी कम द फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन. तो फिनेंथ्रीन भी बेंजीन की तरह फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन देता है और इसमें स्पेशली एस्टाइलेशन होता है. एस्टिल ग्रुप जो है इंट्रोड्यूस कराया जाता है और एस्टोफिनेंथ्रीन का फॉर्मेशन होता है. कुछ आइसोमर्स इसके बनते हैं लो एल्ड में. और ये स्टाइलेशन स्पेशली 3 पोजीशन पर कराया जाता है. टू स्मॉल एक्सटेंट ये पोजीशन 2 पर भी होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है
थ्री पोजीशन पर होता है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो स्टाइलेशन कराया गया है स्पेशली ये थ्री पोजीशन पर कराया गया है, दिस इज पोजीशन थ्री। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये ऑल दिस इज द जनरल रिएक्शन रिसेम्बलिंग टू द बेंजीन। अगर आपने बेंजीन के सारे रिएक्शंस पढ़े हैं, हैलोजिनेशन सब्स्टिट्यूशन सॉरी हैलोजिनेशन नाइट्रेशन सल्फोनेशन रेडल क्रॉप्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन, तो सारे रिएक्शंस जो है ये चाहे वो एंथ्रासीन हो चाहे वो फेनेंथ्रीन हो, उन सबसे जो है लगभग मिलता जुलता है। तो अगला रिएक्शन है हमारा एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में 9-10 पोजीशन पर अगर हम हैलोजिनेशन कराते हैं तो 9-10 पोजीशन पे सिंपली जो है ये एडिशन होता है और फिर वहाँ से एलिमिनेशन होकर के 9 ब्रोमो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो एडिशन भी जनरल एडिशन होता है। रिडक्शन में कॉपर ऑक्साइड और CR2 क्रोमिक ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड के प्रेजेंस में फेनेंथ्रीन ये रिड्यूस्ड हो जाता है। 9-10 पोजीशन ही इसका रिड्यूस्ड होता है और 9-10 डाईहाइड्रोफेनेंथ्रीन का फॉर्मेशन होता है। और अगर हम सोडियम का एडिशन कराएं तो 9-10 पोजीशन पर भी सोडियम का एडिशन होगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन के प्रेजेंस में। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन के प्रेजेंस में यहाँ आप देख सकते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन के प्रेजेंस में सोडियम का एडिशन हो रहा है। और इसके बाद जो है कि डाई एनायन फॉर्मेशन होता है, और डाई एनायन फॉर्मेशन चूंकि ये अनस्टेबल है इसलिए इसे स्टेबल करने के लिए हमें थोड़ा सा ड्राई आइस और हाइड्रोलिसिस करानी होती है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो आप देख सकते हैं कि इसमें है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो दिस इज द एडिशन टाइप रिएक्शन। नाउ वी कम एट द लास्ट, इट्स ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में सिंपली क्या होता है कि 9 और 10 पोजीशन ही इसका ऑक्सीडाइज्ड होता है, यानी रिडक्शन भी यही होता है और ऑक्सीडेशन भी यही होता है। आप देख सकते हैं कि 9 और 10, ये 10 दोनों पोजीशन यहाँ ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है क्रोमिक ऑक्साइड और एस्टिक एसिड के प्रेजेंस में, और यहाँ 9-10 डाईहाइड्रोफिनेथ्रोक्विनोन का फॉर्मेशन होता है समवॉट लाइक दिस। लेकिन ओजोन के प्रेजेंस में यहाँ जब ऑक्सीडेशन कराया जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं ओजोन के साथ ऑक्सीडेशन, ये ओजोन के साथ ऑक्सीडेशन होता है तो डाईऑक्सल बनता है, यानी दो एक रिंग जो है इसकी टूट जाती है ओजोनोलाइसिस के थ्रू। फिर कि MnO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो ये एल्डिहाइड हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। हियर यू सी दैट। तो ये डाईफेनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। कहने का मतलब है कि ओजोनोलाइसिस में जो ओजोनोलाइज प्रोडक्ट बनेगा वो KMnO4 के साथ रिएक्शन कराने में डाईफेनिक एसिड बनाता है, और फिर आप देख सकते हैं कि H2O2 के साथ और यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ भी अगर रिएक्शन कराते हैं तो भी हमारा डाईफेनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से भी डाईफेनिक एसिड देता है, यहाँ से भी डाईफेनिक एसिड देता है। तो ये था ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका लास्ट स्टेप है पिक्रेट फॉर्मेशन। जैसे आपने देखा था एंथ्रासीन में कि एंथ्रासीन पिक्रेट फॉर्मेशन करता है, तो उसी तरह से फेनेंथ्रीन भी पिक्रेट फॉर्मेशन करता है। इसमें फेनेंथ्रीन डोनर होता है, पिक्रिक एसिड जो है एक्सेप्टर होता है, और इस तरह से डोनर और एक्सेप्टर के बीच में एक एनायनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन, यानी चार्ज दोनों एक दूसरे को ट्रांसफ़र करके। जैसे एक्चुअल में इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए एक ग्रुप ये है आपका पॉजिटिवली चार्ज, ये ग्रुप है आपका निगेटिवली चार्ज, यानी इसका न्यूक्लियस, इनके बीच में देखिए क्या होगा, इंटरैक्शन होगा दोनों के बीच में, और इस तरह से इनके चार्ज एक दूसरे को ट्रांसफ़र करके ये चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिक्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है इस केस में, यहाँ पे पिक्रेट बन रहा है आपका ये। तो इस तरह से फिनेंथ्रीन भी एक
पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है जो एंथ्रासीन की तरह बिहेव करती है। तो ओवरऑल दिस इज़ अबाउट द फिनोन्थ्रीन। थैंक यू।